नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा के साथ में इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हुए नजर आते हैं कि उसे आराम से उसे काटने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों पहले ही सरकार और उसके गुर्गों ने बहुत पहले ही प्लानिंग बना ली थी कि हम मीत हुड्डा को ऐसी मौत देंगे कि वो सपने में भी इस भयानक मौत के बारे में सोच नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ये लोग भूल चुके हैं कि मनमीत पहलवान अभी जिंदा है और वो अपने होते हुए मीत हुड्डा को कुछ नहीं होने देगा। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन के माहौल बना हुआ है मीत हुड्डा के सर पर। जी हाँ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और इस समय जो बचा रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि मनमीत पहलवान है। और मनमीत पहलवान ने उस मशीन को ही आकर बंद कर दिया था जिससे आखिरकार मीत हुड्डा को नुकसान पहुंचने वाला था। इधर बात की जाए तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ और आता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर मनमीत पहलवान नया मोर्चा निकालता हुआ नजर आने वाला है अपने फादर के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों इधर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जितना भी ज़्यादा उछल रहा है कूद रहा है बंदर की तरह, अब उसकी नस आ चुकी है मनमीत पहलवान के हाथ में। और मनमीत बोलता हुआ नजर आएगा कि जो तुमने किया है माँ के साथ में और इधर मीत हुड्डा के साथ में, वो मैं किसी भी तरीका से माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि तुम्हारी हरकत जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा घटिया हो चुकी है। मुझे बाप बोलते हुए भी तुम्हें शर्म लगती है। जी हाँ साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएगा इस कैसे लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।